Hi, Jojo. Get up. Bye, Jojo. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूफिस कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर हाजिर हूँ और आप सबके लिए लाई हूँ एक और ख़ास रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ यूपी की एक बहुत ही फेमस डिश जिसका नाम है उड़द गोश्त। जी हाँ, ये रेसिपी बहुत ही फेमस है यूपी में और यूपी की शादियों में अक्सर बनाई जाती है और खाई जाती है। अगर आपने कभी यूपी की शादी अटेंड की होगी तो वहाँ पर उड़द गोश्त ज़रूर खाया होगा। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में और देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें उड़द को उबालना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 कप साबुत उड़द, जिसको मैंने 1 घंटे पहले धोकर और पानी में भिगो के रखा हुआ था। अब हम इन उड़दों को नितार के एक कुकर में डालेंगे। अब इसी के साथ हमने यहाँ पे लिया है 4 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसको हमने लंबा लंबा इस तरीके से कट किया है, और 2 से 3 मोटी वाली हरी मिर्च ली है, इसको भी मैंने ऐसे कट किया है। अब हम इसमें से आधी हरी मिर्च डाल देंगे उड़दों में और आधी कटी हुई अदरक डाल देंगे। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये सभी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे नाप कर 3 कप के करीब पानी। और इस तरीके से मिक्स करेंगे और बस। अब हमें उड़दों को उबलने के लिए रख देना है फुल फ्लेम पर। 4 से 5 सीटियां लगाएंगे या जब तक के लिए पकाएंगे जब तक उड़द अच्छे से गल के फटने लगे। तो चलिए, जब तक हमारे उड़द उबल रहे हैं हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे एक दूसरे कुकर में हम गोश्त को चढ़ाकर तैयार कर लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर गैस ऑन करके मैंने यहाँ पे एक बड़ा कुकर ले लिया है। अब हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे 4 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल। तो जैसे ही थोड़ा सा तेल गर्म होना शुरू हो जाएगा हम उसके अंदर डालेंगे ये सभी साबुत गर्म मसाले जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच लौंग, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची और 8 से 10 हरी इलायची। तो यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो गया है। अब गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इन सभी गर्म मसालों को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो गरम मसाले तेल में हल्का सा चटक चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 लार्ज साइज की प्याज, जिसको मैंने रफली स्लाइस कर लिया है। और अब हम प्याज को लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब गैस की फ्लेम को लो करेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच अदरक का पेस्ट। अब लो फ्लेम पर ही अदरक लहसुन को भूनेंगे। हाई फ्लेम पर अदरक लहसुन को ना डालें वरना डालते ही अदरक लहसुन जलने लगेगा, तो लो फ्लेम कर ही डालें। तो यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया है और गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे गोश्त। तो यहाँ पे हमने लिया है 1/2 किलो गोश्त, जिसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम गोश्त को लहसुन अदरक के साथ भुनने देंगे जब तक कि गोश्त का अच्छा सा कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर चेंज होना शुरू हो गया है गोश्त का। तो चलिए, जब तक हमारा गोश्त भुन रहा है मैं आपको बाकी के मसाले दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर, इसको मैंने बारीक चॉप किया है। अब इसी के अंदर हम सारे मसाले मिला देंगे। तो मैं इसके अंदर डालूंगी 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर,
आधा छोटा चम्मच नमक, नमक अभी मैं कम ही डाल रही हूँ क्योंकि मैंने उड़दों में भी नमक डाला है। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब एक खास चीज़ जो मैं इसके अंदर डालूंगी वो है लहसुन की चटनी। एक बड़ा चम्मच भर के लहसुन की चटनी मैं इसमें डाल रही हूँ। लहसुन की चटनी आप सबको आमतौर पर बनानी आती ही होगी, तो वही सिंपल रेसिपी वाली लहसुन की चटनी मैं इसमें डाल रही हूँ। मसाले हमने सारे निकाल लिए हैं और यहाँ देखिए हमारा गोश्त भी भुन गया है। अब ये सभी मसाले मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटरों के सॉफ्ट होने तक हमें इसे पकाना है और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे सीटी। तो ये देखिए सभी मसाले और टमाटर डालने के बाद कितना बढ़िया सा कलर आ गया हमारे गोश्त का। अब मीडियम फ्लेम पर एक दो मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें सीटी लगाएंगे पानी डालकर। और ये देखिए आप देख सकते हैं मसाला हमारा भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 कप पानी। पानी डालने के बाद हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बस अब हम फुल फ्लेम पर इसमें सीटियां लगा देंगे 3 से 4। ये इतनी सीटियां लगाएंगे कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। 5 सीटी के बाद 10 मिनट मैंने उड़द को लो फ्लेम पर छोड़ा था, तो चलिए अब उड़दों को चेक कर लेते हैं कि उड़द गले हैं या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर उड़द हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं, आप देख सकते हैं फटे फटे हो गए हैं। तो उड़द हमारे उबल के बिल्कुल तैयार है। अब थोड़ी देर बाद हम गोश्त चेक करेंगे कि गोश्त हमारा गला है या नहीं। उड़द हमारे गल चुके हैं, चलिए अब गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। 5 सीटी आने के बाद लो फ्लेम पर मैंने कुकर को 5 मिनट के लिए छोड़ा था, अब चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गोश्त तो मुझे गला हुआ लग रहा है, हड्डी पे से हट गया है। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। जी हाँ गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम मीडियम फ्लेम पर गैस को ऑन करेंगे और गोश्त वाला जो कुकर है उसको गैस के ऊपर रखेंगे। और यहाँ पे हैं हमारे गले हुए उड़द और देखिए आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। तो ये सारा थोड़ा बहुत जो पानी है जो भी है सब कुछ हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया ढेर सारा और थोड़ी सी अदरक भी डालेंगे कटी हुई। अब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे गोश्त को और उड़द को इस तरीके से, ये देखिए। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद फुल फ्लेम पर हम इन दोनों चीजों में 1 सीटी और लगाएंगे ताकि गोश्त का जायका पूरा उड़द में आ जाए। एक सीटी आते ही गैस को बंद कर देंगे और उड़द गोश्त को कुकर की स्टीम में ही छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कुकर की स्टीम बिल्कुल निकल चुकी है। चलिए अब उड़द गोश्त को चेक करते हैं। आहा, कितना प्यारा सा कलर आ गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें हल्के से चलाएंगे और देखेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अच्छी तरीके से इनको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारे उड़द गोश्त हो गए हैं बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए मज़ेदार से उड़द गोश्त बन के तैयार हैं, हमने डिश में सर्व भी कर लिए हैं। अब ऊपर से थोड़ी सी कटी हुई अदरक डालेंगे जो कि हमने पहले बचा ली थी और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया
तो लीजिए, हमारे गर्मा गर्म यूपी के मशहूर उड़द गोश्त बनके तैयार हैं। आप इन्हें गर्मा गर्म चावलों के साथ सर्व करें या तंदूरी रोटी के साथ। मैं तो यहाँ पे चावलों के साथ आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Thank you.